तो भाई फाइनली लास्ट एपिसोड जो है वो ऑन ईयर हो गई है और मेरे को लास्ट एपिसोड की बहुत सी हिंट्स मिली हैं जो कि स्पॉयलर जैसे कह सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस सबसे पहले तो मैं बोलूं कि इसका जो क्रेज़ है ना, जितना क्रेज़ था उतना ही क्रेज़ डाउन हो गया। मतलब आपने मेरे पास तुम हो कि परिजात की भी लास्ट एपिसोड जो थी वो सिनेमा में लगी थी और उसका भी लगने के बाद भी अच्छा खासा क्रेज़ था कि सोशल मीडिया पर उसकी क्लिप्स चल रही थी और उसकी एंडिंग के बारे में बात हो रही थी। लेकिन इश्क मुर्शिद का क्रेज़ जो है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो गया। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, या तो इन्होंने गलती कर दी कि शिब्रा और शाहमीर की जो शादी है बहुत जल्दी करवा दी, उसको एंड की एपिसोड के लिए रखना चाहिए था। यही वजह है कि व्यूअर्स की जो अट्रैक्शन थी ना वो ड्रामे की तरफ से हट गई और इसका एंड जो है ना उसको वो क्रेज़ नहीं मिल सका जो वो डिज़र्व करता था। तो एंडिंग हुई है हैप्पी एंडिंग। जी हाँ दोस्तों, आखिर में शामिर और शिब्रा जो हैं वो खुशी खुशी रहने लग गए। हारून जो था, जो विलन बन गया था एंड में इतना बुरा वाला, उसकी मौत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जुम्मे की रात को इसकी जो एपिसोड है वो सिनेमा में लगी है और अब कल इतवार वाले दिन इसकी एपिसोड जो है वो टेलीविज़न पर नशर हो जाएगी। मेगा एपिसोड है तो शाम को 7 बजे आएगी और 9 बजे तक यूट्यूब पर आ जाएगी। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि इसकी जो एंडिंग है वो उसका क्रेज़ जो है वो नहीं बन सका, उसको इतनी हाइप नहीं मिल सकी, तो उसकी क्या बड़ी वजह थी? जबकि स्टोरी जो थी, मेरे नहीं ख्याल कि स्टोरी को बर्बाद किया गया, बल्कि स्टोरी में जो हकीकत होती है पॉलिटिशियंस की और पॉलिटिक्स की वही कुछ दिखाई गई है। ज़रूरी नहीं है कि हर कुछ जो है वो सिर्फ लव स्टोरी चलती जाए, पूरे ड्रामे में सिर्फ लव स्टोरी दिखाई जाए। सही है, लव स्टोरी थी और उन्होंने दिखाया कि भाई लव स्टोरी शादी होती है तो उसके बाद भी क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कपल को, चाहे वो कितनी मोहब्बत क्यों ना करते हो। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा दिखाया, जबकि बहुत से लोग जिन्होंने पहले इस ड्रामे को बहुत पसंद किया था वो शायद इनकी केमिस्ट्री को देखकर ही पसंद किया था, तो उनका फिर दिल उठ गया ड्रामे से, जिसकी वजह से उसको वो हाइप नहीं मिल सकी जो उसकी मिलनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा था इस सीजन का, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। और गाइस अब इसके सीज़न 2 से रिलेटेड भी इसके जो फैंस हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में कोई भी अपडेट मिली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा।